गया। ओके, ये लालबन चप है, इसको लालबन चप कहते हैं, जबकि दोस्तों इन्होंने कभी कबूतर को सजाया नहीं है। तानिश इलाही जी ने उसको मैदान में उतारा है, इनको सजाने का शौक नहीं है। चाहे जितना बड़ा रंगीन हो, चाहे जितना बड़ा बढ़िया कबूतर हो, इनको केवल मैदान में उड़ा के दौड़ा के लोगों को शौक दिखाना है कि ऐसे भी शौक होते हैं, प्यार मोहब्बत से किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ भी दिखा दानिश भाई जी, एक बात पूछनी थी आपको, शौक पड़ा कैसे कबूतर बाजी का, कब से कर रहे हो? सर मेरा ये खानदानी शौक है, मेरे दादा करते थे। अच्छा जी। मेरे दादा से मेरे चाचा को लगा, चाचा से मुझे लगा, मेरे चाचा के बाद भी 500-600 कबूतर है। तो शौक काफी अच्छा शौक है, ये बुराइयों से बचाता, अच्छाइयों में लाता है, गली मोहल्लों की लड़ाई झगड़ों से बंदा दूर रहता है। सर अपना तो यही शौक है, इसके अलावा और कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि शौक करना है तो शांतिपूर्वक करें, मुझे इनका शौक बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों बार बार कहना चाहूँगा कि गर्मियों में कबूतरों को छतों पे, जंगली कबूतरों को पानी ज़रूर रखें, ज़रूर रखें भाइयों, और अपने जानवर के घर के नीचे कोई कुत्ते या बिल्ली हो उनके लिए भी पानी ज़रूर रखें, जिससे कि आने वाले देखो जो हमें ऊपर अल्लाह ताला ने या भगवान ने उतारा है तो पानी ज़रूर दें, जिनकी वजह से हमारी लंबी उम्रें होती हैं। तो जानवरों ने मांगी थी कि इंसान की लंबी उम्र होगी, तो इसलिए अपने घर परिवार की शांति के लिए आप लोग जरूर करें। धन्यवाद। मैं सोनू राजपूत, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके खिदमत में लाता रहूंगा। धन्यवाद। नावेद एक सेकंड खड़ा हो जाए जल्दी से।